आज के टॉपिक वेबसाइट क्या करें, दूसरे वेबसाइट और भी देखते हैं अपन, उसमें जाके देखते हैं तो, लेकिन वेबसाइट 24/7 ऑन रहता है। अब वेबसाइट बनता कैसे? कोडिंग के थ्रू, टाइम है, फिर हम घूम फिर के वहीं आगे। आपका स्कूल बना है जमीन के ऊपर, जमीन, बिल्डिंग, नेम, ऑनलाइन हो, वेब सर्वर, वेबसाइट, डोमेन। एक घंटा हमारे पास है जहां पे हम लोग एक ऐसा जो पेज दिख रहा है ना आपको, वैसा ही हम लोग पेज क्रिएट करेंगे आपके स्कूल के लिए, ठीक है? चलो ठीक है। तो अभी जो आप लोगों को सामने दिख रहा है ना, ये क्या है? वर्डप्रेस, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था। अब ये वो जगह है जहां से हम लोग अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और यहां पे वो सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जहां पे अपन अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे। लेकिन इससे पहले नीचे क्या था? जमीन। तो क्या था? बिल्डिंग, नेम, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, जमीन। जमीन मतलब वेब सर्वर, ठीक है? तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू होस्ट है ना, तो ब्लू होस्ट जो है आपको वेब सर्वर प्रोवाइड कराते हैं। वेब सर्वर मतलब जमीन, जमीन आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, मतलब सर्वर आपको यहां से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो वेबसाइट से चालू करते हैं, वहां थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। अब क्या था शुरू में? नाम, वो क्या हुआ? डोमेन। तो जैसे अब आपको यहां दिख रहा है टॉप पे जो दिख रहा है ना, school.web3.com दिख रहा है? दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। जैसे कि अपन लिखते हैं www.google.com लिखते हो, वैसे सर्च करते हो ना? YouTube कैसे सर्च करते हो अगर आपको गूगल में सर्च करना है तो? YouTube.com। आपको Facebook सर्च करना है, कैसे करोगे? Facebook.com। तो वो क्या हुआ? क्या हुआ? डोमेन, जो नाम है जो आप जा रहे हो वो हुआ आपका डोमेन, ठीक है? अब हम लोग क्या बनाएंगे? बिल्डिंग, जो क्या है? वेबसाइट, ठीक है? अब ये है वर्डप्रेस। अब यहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है? यहां पे आपको कोई भी कोडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सारे चीजें आप यहां पे यूज कर सकते हो। कैसे? प्ले स्टोर जानते हो ना, प्ले स्टोर, बस वैसे ही आपको यहां पे यूज करना है, ठीक है? अब आपको साइड में दिख रहा है डैशबोर्ड हो गया, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, है ना? ये सारे यहां पे चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है थीम। आप किसी थीम के ऊपर काम करते हो, जैसे आप लोग आज व्हाइट ड्रेस पहन के आए हो, क्यों? सैटरडे, और सैटरडे को आपको व्हाइट ड्रेस पहनना है, ये बोला गया। तो वैसे ही आप कभी भी वेबसाइट बनाओगे तो आपको एक थीम के ऊपर काम करना है। जैसे स्कूल का वेबसाइट है तो उसका एक अलग थीम होगा। आप जैसे एक अमेजोन जैसा वेबसाइट बना रहे हो, अमेजोन चलाते हो हर कोई? क्या होता है अमेजोन? शॉपिंग ऐप। तो वहां का वेबसाइट का थीम अलग होगा, बैंक का थीम अलग होगा, हर जगह का थीम अलग होगा। तो सबसे पहले आपको थीम के ऊपर काम करना है, ठीक है? तो थीम आपको मिलेगा, ये अपीयरेंस दिख रहा है ना, अपीयरेंस, यहां पे थीम्स, ठीक है? तो थीम्स में जाना है आपको, और सबसे पहले अपन चूज करते हैं अपना थीम, जो कि यहां पे चूज है एस्ट्रा, ठीक है? मैंने ये थीम चूज करके रखा हुआ है पहले से कि मैं इस थीम के ऊपर काम करूंगा जो आपको अभी सामने में दिख रहा है, ठीक है? मैंने इसको एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या डिसाइड किए, कॉपी में लिखते जाओ सबसे पहले, ठीक है? लिख लिए, सबसे पहले क्या करेंगे? थीम चूज करोगे, ठीक है? सबसे पहले आपको थीम चूज करना है, और मैं यहां पे थीम चूज कर लिया हूं एस्ट्रा, ठीक है? अब इसके बाद अब हम लोग को क्या चाहिए? अब आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आप जानते हो, अब एंड्रॉइड सब जानते हो, एंड्रॉइड क्या होता है? सब मोबाइल चलाते हो आप में, आईफोन में क्या होता है? आई, सही है। क्या है ये डिफरेंस? क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस है ना? वो क्या है? एंड्रॉइड है, और ये क्या है? आईओएस है। लेकिन जब आप मोबाइल खरीदते हो शुरू में, तो उसमें आपको पहले से ही सब चीज मिलता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। कहां से करते हो? प्ले स्टोर से करते हो। तो वैसे ही हम लोग को जो जो चीज चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे।
ठीक है, वैसे ही समझो जैसे आपका मोबाइल है और प्ले स्टोर से आप वहां पे चीजें ला रहे हैं, ऐप ला रहे हैं, वैसे ही हम लोग यहां पे भी चीजों को लाएंगे। अब उसको क्या बोला जाता है यहां पे, प्लगइन्स। जो ऐप आपके मोबाइल में बोला जाता है उसको यहां पे बोला जाता है प्लगइन्स। ठीक है, तो लिखो दूसरा प्लगइन्स, थीम्स के बाद प्लगइन्स। ठीक है, लिख लिए। अब प्लगइन्स भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, अब जैसे कि अब आपको एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जहां पे आप पेमेंट ले सको, ऑनलाइन पेमेंट ले सको। ठीक है, अब ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे लोगे, पेटीएम जानते हो हर कोई, फोन पे जानते हो हर कोई, तो उस सब पता है। ठीक है, तो अब पेटीएम आप लोग इंस्टॉल करते हो ना, तभी आप पेटीएम यूज कर सकते हो। तो वैसे ही वेबसाइट में भी हम लोग को चाहिए होगा पेटीएम, तभी हम पेटीएम से अपना पेमेंट ले सकेंगे। तो वो चीज के लिए आप जैसे यहां ऊपर दिख रहा है आपको प्लगइन्स के बाजू में दिख रहा है ऐड न्यू, सभी को दिख रहा है आखिरी तक दिख रहा है, तो ये ऐड न्यू में गए। अब यहां से आप पेटीएम से रिलेटेड प्लगइन्स को आप ला सकते हो। तो अब यहां पे सर्च दिख रहा है, अब यहां पे अपन लिखे पेटीएम, एक पेमेंट गेटवे है, एक डोनेशन है। ठीक है, अलग अलग यहां पे चीजें आपको मिलेंगी। अब जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप यहां से क्या, आप प्ले स्टोर से क्या करते हो, इंस्टाग्राम को क्या करते हो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो, यहां भी क्या करोगे, सिंपल है कि नहीं, हार्ड लग रहा है, सिंपल है। ठीक है, तो अब यहां से अपन इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, ये दिख रहा है इंस्टॉलिंग, अभी इंस्टॉल हो गया। अब जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर में, उसके बाद क्या बोलता है, ओपन, ओपन करने बोलते हैं ना आपको, वहां पे ऑप्शन आ जाता है ओपन का। तो अब यहां भी अपन क्या, अब यहां पे ओपन नहीं होता, यहां पे होता है एक्टिवेट, कि आप प्लगइन, आप ऐप को ले आए हो अपने वेबसाइट में, अब आपको इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो मुझे करना है, करना है ना, करना है कि नहीं करना है, हाँ, तो एक्टिवेट कर लेते हैं फिर। तो ये प्लगइन यहां पे एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं, ये एक है एलिमेंटर, दिख रहा है आपको एलिमेंटर है ना, ये भी एक प्लगइन है जिसको यूज करके हम लोग वेबसाइट का पेज बनाएंगे। पेज बनाएंगे इन द सेंस, कैसा पेज बनाएंगे मैं दिखाता हूं आपको। ये जो है ना, ये वेबसाइट का पेज है, ऐसा ही पेज हम लोग बनाएंगे किसको यूज करके, एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है, पेज बिल्डर। ठीक है, तो प्लगइन्स के नीचे में लिख लो एलिमेंटर। तो जैसे ही आप एलिमेंटर को एक्टिवेट करोगे ना, तो आपके साइड में जो भी चीज आप एक्टिवेट करते जाओगे आपके यहां पे साइड में आता जाएगा। जैसे मैं एक्स्ट्रा एक्टिवेट किया था, यहां पे देखो एक्स्ट्रा आ गया आपको साइड में दिख रहा है, एलिमेंटर एक्टिवेट किया तो एलिमेंटर आ गया, है ना। तो जो भी आप चीज एक्टिवेट करते जाओगे यहां पे आपको साइड में वो चीज आते जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, हेड कैसे बना सकते हो आप लोग, हेडर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हेडर के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे ऑप्शन आएगा आपको बनाना क्या है। अब देखो यहां पे बहुत सारी चीज दिख रहे हैं आपको, फुटर है, हेडर है, लैंडिंग पेज है, पेजेस है। पेजेस क्या होते हैं बताया था ना, पेजेस क्या होते हैं, वेब पेज, अलग अलग पेज बनाते हैं ना वेबसाइट का, वही हो गया, वही पेजेस है हमारा। ठीक है, तो अपन यहां पे सबसे पहले बनाएंगे हेडर। ठीक है, तो हेडर में क्लिक किए और हेडर का नाम दे दिए, हेडर वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप सब लोग ध्यान से देखना अब। ठीक है, यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो आप लोगों को आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां देख रहे हो क्या लिखा है ऊपर में, रुको मैं जूम करता हूं, है ना। अब देखा क्या लिखा है, एलिमेंटर, और एलिमेंटर को यूज करके ही हम लोग क्या बनाएंगे, पेज।
जो भी पेज बनाएंगे, जो भी चीज बनाएंगे, हम लोग एलिमेंटर को यूज करके ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब एलिमेंटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये है लोगो, ये वेबसाइट का लोगो है। जैसे आपके कपड़े में लोगो दिया गया है ना, क्यों दिया गया, क्योंकि आपको लोग जान सके कि आप कहां के स्टूडेंट हो। वैसे ही वेबसाइट को भी हमको लोगो देना पड़ता है, जिससे लोग जान सके कि ये वेबसाइट किनका है, आपके स्कूल का है, ठीक है। तो वैसे ही लोगो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, फिर ये जो है ये हम लोग करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू। ये जो दिख रहा है ना, होम अबाउट एकेडमिक से दिख रहा है, ये मेन्यू है। और ये क्या है, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, रुको, ये क्या है, ये तो इंटरेस्ट का चीज है आप लोगों के, फेसबुक इंस्टाग्राम, ठीक है, सोशल मीडिया का आइकन हम लोग वहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क हम लोगों का क्या है, सबसे पहला टास्क हम लोगों का क्या है, हेडर बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना हेडर में, और हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलें फिर, रेडी, आवाज धीरे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही एक्टिव रहना है, ऐसे ही एक्टिव रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब यहां पे आपको दिख रहा है प्लस, दिख रहा है प्लस आइकन बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां क्लिक किया, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों को क्या क्या चाहिए, लोगो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, तीन चीज हम लोगों को चाहिए, ठीक है, तीन चीज हम लोगों को चाहिए। तो वही चीज हम लोग यहां पे चूज करेंगे। अब यहां पे देखो, आपको ये सिंगल दिख रहा है, डबल दिख रहा है, तीन दिख रहा है, दिख रहा है। हम लोग कितना चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए। मैं जैसे जैसे कर रहा हूं करते जाओ, कितना चीज चाहिए, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, यहां पे तीन वाला करेंगे या एक वाला करेंगे, तीन वाला करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेलेक्ट किए, अब यहां पे आपको आ गया, तीन अलग अलग चीज दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पे सिर्फ लाल आके रखना है, कुछ बड़ा चीज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे क्या चाहिए, क्या चाहिए, हेडर तो ये बना रहे हैं हम लोग, हम लोगों को क्या चाहिए, लोगो चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे आपको तीन ये डॉट दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। अब जो भी एलिमेंट आपको चाहिए वो आपको यहां मिलेगा। अब देखो सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, ये रुको मैं जूम कर लेता हूं, और ये दिख रहा है आपको लोगो। अब आपको क्या करना है, इसको प्रेस किए और इसको उठाए, और जहां पे चाहिए, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या किया, यहां से उठाया और यहां पे लाके रख दिया, क्या आया, आ गया लोगो, आया ना लोगो। कुछ किया हम लोग यहां पे ज्यादा नहीं किए, सिर्फ आपको ऐसा ही करना है, आपको जो भी एलिमेंट चाहिए आपको वहां से उठाना है और लाके यहां पे रखना है। तो लोगो हम लोग ला लिए, अब हम लोग को क्या चाहिए, ये चाहिए, ये वाला चीज चाहिए ना, मेन्यू चाहिए हम लोग को, तब हम लोग वो लाएंगे। फिर से यहां गए, अब ये दिख रहा है मेन्यू, है ना, या फिर आप यहां पे सर्च कर सकते हो मेन्यू, बहुत सारे चीज आ जाएंगे आपके पास। तो अब मैं फिर से इसको उठाया, दिख रहा है, अब ये मैं ले गया और मैं रख दिया, आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये वेबसाइट में देखो कैसा दिख रहा है आपको, वैसे ही हम लोग को यहां पे करना है, ठीक है, वो हम लोग इसके बाद करेंगे। अब यहां पे एक और क्या चीज चाहिए हम लोग को, सोशल मीडिया। तो यहां पे फिर सर्च करेंगे और फिर हम लोग लाए और फिर हम लोग यहां पे रख दिए, आ गया। कितना टाइम लगा, 2 मिनट, ठीक है। अब हम लोग को इसको सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, ये एक लाइन में आ गया और ये यहां पे अपना लोगो आ गया, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा, ठीक है, हो गया हम लोगों का हेडर तैयार। कितना हार्ड है, छोटा चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग हेडर तैयार कर लिया अपना, अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, हेडर, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं इसके बाद फुटर की तरफ, फुटर हम लोग अब इसके बाद क्रिएट। अब यहां पे एक चीज आपको करना है, इसको आपको
सेव करके रखना है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो आपको नीचे में यहां दिख रहा है पब्लिश, अब ये आपको यहां पे कंडीशन लगाना है, ठीक है। कंडीशन इन द सेंस कैसे, आपको ये जो हेडर है जो आप बनाए हो, अब जैसे कि आपके चैप्टर वन क्या है मैथ्स का, रैशनल नंबर। अब क्या आपको ये करना है कि हर एक चैप्टर का नाम आपको रैशनल नंबर रखना है, या फिर हर एक चैप्टर का नाम अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, लेकिन वेबसाइट में अलग अलग नहीं होता है। आपको हर एक पेज में आपका जो हेडर है वो आपको सेम रखना है। तो वही ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो हेडर बनाए हो इसको आपको हर एक पेज में सेम रखना है या फिर अलग अलग रखना है। तो हमको क्या करना है, हर एक पेज में सेम रखना है। तो अब यहां से हम लोग एंटायर साइट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, हमारा हेडर तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फुटर की तरफ। चलो एक काम करते हैं, उससे पहले अपन बना लेते हैं बॉडी, उसके बाद लास्ट है फूड बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक हम लोगों को पेज बनाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि अब इसमें आप देख रहे हो ये अलग अलग पेजेस हैं, ये अलग अलग पेजेस हैं वेबसाइट में। हम लोगों को सिर्फ आज बनाना है मेन पेज। मेन पेज मतलब आपके बुक का इंडेक्स, इंडेक्स हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा इंडेक्स कैसे हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद उनसे इन सारे पेजेस को हम लोग कनेक्ट कर देंगे जैसे आपके बुक में होता है, ठीक है। तो सर अभी अपन क्या बना रहे हैं, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स बनाएंगे हम लोग आज में, क्योंकि आज में हम लोग वही बना सकते हैं। तो अब उसके अंदर हम लोग कैसे काम करेंगे वो हम लोग चालू करते हैं।